हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है माँ बेटी ब्लॉग्स। कैसे हैं फ्रेंड आप? प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलो फ्रेंड आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है कि पतले और कमज़ोर बच्चों को मोटा कैसे बनाया जाए। कि बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उन्हें पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। तो चलो आज फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को कौन कौन से फूड आपको आहार में देना चाहिए और उनके डेली रूटीन में ये फूड होना ही चाहिए। सबसे फर्स्ट है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये बेबी को ब्रेस्ट मिल्क बेबी को अकेला पालने की क्षमता भी रखता है। सेकेंड है दालें। दालें तो गुणों का भंडार हैं, उसमें विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। दालें कई प्रकार की होती हैं, तो बच्चे को हमें मूंग दाल देना चाहिए। मूंग दाल दो प्रकार की होती है, धुली मूंग और छिलका मूंग। छिलका मूंग का बच्चे को सिर्फ पानी देना चाहिए क्योंकि छिलका गले में अटकने का डर रहता है। थर्ड है होल ग्रेन अनाज। अनाज बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो आप अनाज के रूप में आप दलिया दे सकते हैं। दलिया में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है घी। घी बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, तो घी को आप दलिया खिचड़ी या दाल में डालकर दे सकते हैं। नेक्स्ट है दही। दही 8 महीने से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए, दही घर का जमा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है सूखे मेवे। सूखे मेवे भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। सूखे मेवे पाउडर फॉर्म में आपको चाहिए। मेवे का पाउडर को आप दूध में डालकर बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट है पटेटो। आलू। आलू भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये वेट बढ़ाने में सहायता करता है। तो आलू को आप डेली ना देकर एक दिन छोड़कर एक दिन आप दे सकते हैं। आलू को आप खिचड़ी बनाकर या प्यूरी बनाकर बच्चे को खिलाइए। नेक्स्ट है बनाना। बनाना तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये तो आपको बच्चे को डेली देना ही चाहिए। बनाना की प्यूरी बनाकर आप बच्चे को खिला सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाय बाय फ्रेंड।